तो फ्लोरिडा के कई हिस्सों में बाढ़ बारिश जैसे हालात बने हुए हैं। इलाकों में पानी भर चुका है, इलाके पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। फ्लोरिडा में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, तेज हवाओं के साथ भयंकर बारिश हुई है। काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं और हालात जो हैं वो काफ़ी भव्य नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए और ये तस्वीरों में आप देखिए कि कार किस कदर यहाँ पर डूब चुकी है पूरी तरह से पानी में, और देखिए कितनी तबाही यहाँ पर मची है। बाढ़ बारिश जैसे हालात जो हैं वो उत्पन्न हो चुके हैं। और ये देखिए तस्वीरें, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस वक्त ये बरसात आई उस वक्त तेज हवाएं भी चल रही थी और ऐसे में घरों को काफ़ी नुकसान भी यहाँ पर जाहिर सी बात है पहुँचा ही होगा और बरसात का पानी भी घरों में पहुँचा ही होगा, क्योंकि कारें जो हैं यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो देखिए किस हद तक डूबी हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं पानी में। तो जाहिर सी बात है कि ये पानी घरों में घुसा होगा और काफ़ी नुकसान यहाँ पर घरों को भी पहुँचा होगा। बारिश के साथ काफी तेज हवाएं भी यहां पर चली हैं। तो फ्लोरिडा में बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, लोगों में काफी डर देखने को मिल रहा है, काफी नुकसान जो है लोगों की संपत्ति को भी यहां पर पहुंचा है। कारें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। चारों तरफ जिस तरफ आप नजर फैलाएंगे उस तरफ सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ पानी यहाँ पर देखा जा रहा है। बरसात हुई और काफ़ी तेज़ ये बरसात हुई जिसके चलते यहाँ पर लगातार इतनी तेज़ बारिश के बाद हालात कुछ इस कदर बने कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। न केवल भारत इससे अछूता है बल्कि यहाँ पर आप चारों तरफ देखिए कि जिस तरीके से लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वायनाड की और हिमाचल प्रदेश की, लगातार हम आपको कुल्लू की तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, उसके बाद फ्लोरिडा की ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। तो तस्वीरें आपने देखी किस कदर चारों तरफ सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा था, कारें जो हैं वो पूरी तरह से पानी में डूबी हुई नजर आ रही थी, घरों में भी ये पानी घुसा हुआ है, लोगों को काफी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए अब बाढ़ बारिश पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी कुछ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुंबई से प्रथमेश हमारे साथ हैं, अहमदाबाद से जय सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका रुख करते हैं और इनसे भी जानकारी ले लेते हैं। प्रथमेश, क्या कुछ मौसम को लेकर मुंबई से फिलहाल अपडेट है? जी, अगर मैं मुंबई की फिलहाल बात करूं तो मुंबई में आज येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया और लगातार आईएमडी की तरफ से जो कड़ी नज़र है वो फिलहाल मुंबई में बनाए रखी हुई है, क्योंकि जो आईएमडी की तरफ से भारी बारिश का अनुमान फिलहाल मुंबई में जताया गया है। अगर हम लोग बात करें बाकी जिलों की, महाराष्ट्र की, तो पुणे में जिस तरीके से कल की अगर हम लोग सिचुएशन देखा था तो जिस तरीके से जो डैम का पानी है वो पूरी तरह से भर गया था, जिसके बाद उनके जो गेट्स है वो खोलने पड़े थे, जिसके बाद जो कुछ जो गाँव है वहाँ पर उनके जो गाँव है जैसे एकता नगर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ के जो अंदर बिल्डिंग के अंदर पानी घुस गया था, जिसके बाद वहाँ से इवैक्यूएशन का काम शुरू कर दिया था। इंडियन आर्मी तक वहां पे डिप्लॉय कर दिया जा चुका था, इंडियन आर्मी के 100 जवान वहां पे डिप्लॉय कर दिए जा चुके थे और वहां से जो है जो एक राहत बचाव का कार्य है वो वहां से किया जा रहा था। उसके साथ ही जो फायर ब्रिगेड के कुछ जवान हैं कि वहाँ पर डिप्लॉय कर दे ताकि जो सुरक्षित कुछ लोगों को वहाँ से निकाल सके और अपने सेफ जगह पे वहाँ पे रख सके। प्रशासन प्रशासन भी मुंबई हो जाए पूरे महाराष्ट्र में सतर्क है। अगर मुंबई की अगर बात करूँ तो बीएमसी हर जगह जो उनके ऑफिशियल्स है वो राउंड पे जा रहे हैं और कहीं पर भी अगर बारिश हो रही है बारिश होने के बाद कहीं पर भी अगर पानी पानी जमा हुआ दिख रहा है तो वहां पर जो है ऑफिशियल जा रहे हैं और वहां पर जो है जो पंप है वो वहां पर लगाए गए हैं ताकि जो पानी है वो वहां पर ज्यादा देर रुके ना और जल्द से जल्द वो पानी निकल जाए। और अगर मैं बात करूं नासिक की तो नासिक में फिलहाल बाढ़ जैसी सिचुएशन हमें देखने मिल रही है, लगातार वहाँ पानी का जल भराव देखने मिल रहा है क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से जो एक लेक है वो पूरा ओवरफ्लो हो गया है, पानी जो खतरे का जो स्तर रहता
जो है वहां पर भी बाढ़ बारिश की जो स्थिति है वो वहां पर देखने मिल रही है। फिलहाल आईएमडी के तरफ से पुणे में आज भी रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया और आज मुंबई में येलो अलर्ट की घोषणा की। ठीक है प्रथमेश, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है हिमाचल से, सीधा वो हमारे दर्शकों को बता देते हैं। हिमाचल में बादल फटने से भारी तबाही आई, रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के जवान लगातार जुटे हुए हैं। कुल्लू मंडी शिमला में बादल फटा, उसके बाद भारी तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आई, दर्जनों लोगों के लापता होने की खबर है। तलाश के लिए स्नीफर डॉग तैनात किए गए हैं, तो तलाश के लिए स्नीफर डॉग की सहायता ली जा रही है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन इन इलाकों में चल रहा है, दर्जनों लोगों की लापता होने की खबरें जो है वो निकलकर सामने आई है। रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, पुल बनाए जा रहे हैं और हर तरह से कोशिश की जा रही है रेस्क्यू करने की। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की दिक्कतें भी सामने आ रही हैं, कई तरह की परेशानियों से भी दो चार होना पड़ रहा है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को। ये चट्टाने आप देखिए किस कदर, ये बड़े बड़े पत्थर और जो चट्टाने हैं और जिस तरीके से पूरी जमीन गीली हो चुकी है, पत्थर ये गीले हो चुके हैं, ऐसे में रेस्क्यू करना भी काफी मुश्किल भरा हो रहा है यहाँ पर जवानों के लिए। लेकिन लगातार टीमें लगी हुई हैं और लापता लोगों की खोज लगातार जारी है। यहाँ पर तस्वीरें देखिए, रिलीफ कैंप भी जगह जगह पर बनाए गए हैं जहाँ पर काफी लोग ठहरे हुए हैं और जिनके अपने गुम हो चुके हैं, जिनके अपनों की तलाश अभी जारी है, उनका इंतजार किया जा रहा है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी शिमला से कामेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामेश्वर देखिए, जिस तरीके की तबाही की तस्वीरें लगातार कुछ दिनों से हम देख रहे हैं वो काफी डराने वाली तस्वीरें हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी कई दिनों से चल रहा है। अगर बात करें फिलहाल हम शिमला की, तो शिमला में इस वक्त मौसम कैसा है, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर और क्या कुछ ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल, यदि हम मौसम की बात करें तो घने बादल छाए हुए हैं। वहीं जो मौसम विभाग ने पहले भी 7 अगस्त तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों, खासकर हम जिला की बात करें, जिला शिमला मंडी और कुल्लू में वर्षा की संभावना जताई गई है। लेकिन वर्षा नहीं हो रही, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरीके से रेस्क्यू कार्य है, यदि वर्षा होती तो कहीं ना तो कहीं जो NDRF है, SDRF है, CIF है, उन जवानों को भी कहीं ना तो कहीं रेस्क्यू करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर देखा जाए जो ये हादसा हुआ, लगभग 101 घंटे हो चुके हैं और आज पांचवा दिन है, और जिस तरीके से अगर अभी देखा जाए तो 46 लोग अभी भी लापता है। बीते दिन जरूर सुन्नी डैम में एक महिला का शव मिला, जिसमें महिला की एक टांग नहीं थी और सर का ऊपरा हिस्सा भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था, उनकी पहचान अभी फिलहाल नहीं हो पाई है। उसी अलावा अगर हम देखा जाए जो समेज में जो दुर्घटना हुई थी, जो बादल फट रहा, उसके अलावा 15 किलोमीटर दूर यानी कि डकलोड में भी 2 शव को बरामद किया गया है। फिलहाल अभी उनका DNA जो 20 लोग समेज के है, उनकी DNA लिया जाएगा, उसके बाद ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही बताया जा सकता है कि ये जो शव है किस हादसे हुए, क्योंकि लगातार जो अलग अलग जगह पर जो हादसे हुए हैं, खासकर जो उसका जो नदी का भाव है वो सतलुज होते हुए तत्ता पानी सुन्नी तक आता है। तो ऐसे में अभी जो प्रशासन है उन्होंने बस केवल यही जानकारी दी है कि कुल मिलाकर जो सुन्नी में एक और जो समेत से 15 किलोमीटर दूर 2 शव को बरामद किया गया है। लेकिन वहीं जो खोजी कुत्ते द्वारा लगातार जो भारी टन जो मलबा आया हुआ है, उन्हें जो रेस्क्यू कार्य है लगातार जारी है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किलें इस दौरान आ रही है, खासकर जो मशीनें हैं, 8 मशीनें उपलब्ध है। स्थानीय लोगों की मांग है कि वहां पर मशीनें अधिक से अधिक लगाई जाए ताकि जो रेस्क्यू कार्य वो तीव्र गति से किया जाए। वहीं खोजी कुत्ते साथ ही NDRF, SDRF, SFI, पुलिस के जवान और अन्य होमगार्ड के जवान को अधिक से अधिक तैनाती की जाए ताकि जो शव मिल सके। वहां पर जो लगातार परिजन है, कई परिवार ऐसे हैं जहां पर 7-8 जो सदस्य वहां पर है। लेकिन जो देखा जाए अभी जो पर्याप्त, अगर हम बात करें जिस तरीके से दो 3 जिला में ये जो तबाही मची है, इन तीनों जिला की अगर हम बात करें, जो रामपुर के समेज में जहां पर अभी भी 36 लोग लापता है, वहां पर अगर हम पुलिस की बात करें, जो NDRF, SDRF, NDRF के समेत जो लोग हैं वो 301 जवान है। वहीं अगर हम बात करें कुल्लू के बागीपुल, वहां पर लगभग 38 जवान तैनात है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें मंडी के राजबन में, वहां पर 70 जवान तैनात है। तो स्थानीय लोगों की मांग है कि जो NDRF, SDRF है और जो होमगार्ड के जवान है, उनकी जो तैनाती अधिक से अधिक किया जाए और जो मशीनरी है जो 8 है उसकी भी अधिक संख्या की जाए ताकि जो हजारों टन मलबा निकला, अगर हम बात करें बीते दिन जो समेत से 15 किलोमीटर दूर जो शव मिले वो घर समेत ही जो मलबे के साथ ही वो दोनों शव आए, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नदी की कितनी तीव्र गति है। जी ठीक है कामेश्वर, आप फिलहाल नजर बनाए रखे पूरे हालातों पर, समय समय पर अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। इस वक्त अब नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम के हालातों पर भी। मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, इंदौर उज्जैन में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
तो देखिए मध्य प्रदेश के 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इसी के अलावा इंदौर उज्जैन में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो आज बारिश की संभावना जो है एमपी में भी पूरी तरह से बनी हुई नजर आ रही है। और चलिए इन तमाम अपडेट्स के लिए अब हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, देखिए मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में जो है रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिलों में रेड अलर्ट है, 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल मौसम कैसा है? उज्जैन में हल्की बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। वैभव, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बारिश हो रही है उसने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो एवरेज बारिश होती थी वो मध्य प्रदेश में हो चुकी है, लेकिन अभी भी आगामी 4 दिनों के लिए मौसम विभाग के द्वारा एक अलर्ट जारी किया गया है और करीबन 13 जिलों में आज बाढ़ की स्थिति है, मतलब इतनी तेज यहाँ पर बारिश होनी है। इसके साथ ही कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर जो नदियाँ हैं वो अपने खतरे के निशान के ऊपर चल रही हैं। मध्य प्रदेश में 54 डैम हैं, जो उसमें से जो 30 डैम है वो 80% फुल हो चुके हैं। भोपाल की बात करें, भदभदा डैम, कलियासोत डैम, केरवा डैम, इसके साथ ही बरगी जो बांध है, इन सभी बांधों के गेट खुले हुए हैं पिछले 3 दिनों से। और कल भी हम भोपाल की बारिश की बात करें तो 3.25 इंच भोपाल में बारिश हुई है। इस वक्त जरूर भोपाल में थोड़ी सी धूप खिली हुई है, लेकिन मौसम विभाग का यही अनुमान है क्योंकि येलो अलर्ट जारी किया गया है राजधानी भोपाल के लिए, तो 12 बजे के बाद एक बार फिर से राजधानी भोपाल में बारिश हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही है कहीं ना कहीं लोगों की जान पर भी बनाई है, क्योंकि कल जिस तरीके से सागर के शाहपुर में एक दर्जन दीवार गिर गई क्योंकि वहां पर लगातार तेज बारिश हो रही थी। बारिश के बीच में ही शिवलिंग निर्माण के साथ ही भागवत पाठ का आयोजन किया गया था और वो जर्जर दीवार बच्चों पर गिर पड़ी जिसके चलते 9 बच्चों की डेथ हो गई थी। गुना से भी कुछ तस्वीरें ऐसी आई थी क्योंकि संडे का दिन था, लोग इंजॉय करने पहुंचे थे गुना से भोपाल के आसपास के क्षेत्र में, लेकिन पानी का बहाव एकदम से तेज हो गया जिसके चलते सबको रेस्क्यू करना पड़ गया। तो मौसम विभाग ने यही अनुमान जताया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी यही सभी कलेक्टर्स को हाईलाइट पर रहने को कहा है। 24 घंटे वो एक्टिव है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए हैं कि लगातार सूचनाएं दी जाए लोगों के बीच, सूचना तंत्र को और ज्यादा मजबूत किया जाए क्योंकि आगामी 4 दिन मध्य प्रदेश में तेज बारिश होनी है। आज 19 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, 13 जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वैभव, डैम के गेट खोल। ठीक है वैभव, नजर आप बनाए रखिए, अपडेट आपसे समय समय पर लेते रहेंगे। फिलहाल नासिक से एक बड़ी खबर आ रही है, वो हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। सबसे पहले नासिक के कई इलाकों में बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं, भारी बारिश से नदियां उफान पर आ चुके हैं, गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर भी बने हुए हैं। आपको बता दें कि नासिक में भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर बने हुए हैं और 8000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। गंगापुर बांध से 8000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है जिसके बाद बाढ़ जैसे हालात यहां पर उत्पन्न हुए हैं। और वहीं लोगों से अपील भी ये की जा रही है कि सुरक्षा खुद करें अपनी और साथ ही साथ ऐसे जगहों से जाने से बचें जहां पर पानी का स्तर अधिक पहुंचा हुआ है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी प्रथमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रथमेश, देखिए जिस तरीके से लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, बारिश का अलर्ट भी अभी जारी किया गया है और इसी तरीके से जिस तरीके के हालात नासिक में बने हुए हैं वो भी काफी खतरनाक नजर आ रहे हैं फिलहाल। जी बिल्कुल, अगर नासिक की भी अगर बात करूँ तो जिस तरीके से कल की हमने और आज की सुबह की भी तस्वीर देखी है तो पूरी तरीके से जो गांव है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। जिस तरीके से एनडीआरएफ वहां पर तैनात कर दिया जा चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहां से शुरू है, जो लोग हैं वो वहां से निकाले जा रहे हैं और एक सुरक्षित जगहों पर वहाँ लोगों को रुकाया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन, सीएम खुद वहां पर जो है उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं कि अगर कहीं पर भी ऐसा सिचुएशन, कहां सिचुएशन है, ये सब जो सीएम है एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के, वो सब इन सब सिचुएशन पे जायजा ले रहे हैं। और लगातार जो नासिक में भी लगातार जो बारिश है वो वहां पर हो रही है और आईएमडी की तरफ से भी वहां पर जो रेड अलर्ट है वो घोषित कर दिया गया है। अलर्ट पे फिलहाल नासिक को रखा गया और जिस तरीके से जो गोदावरी नदी है वो सब पूरे उफान पर है और हालत नासिक की भी जिस तरीके से जो पूरा जो डैम है उसके गेट खोलने
कारण जिस तरीके से जो पूरा पानी है वो पूरा गांव में घुस चुका है, क्योंकि जो डैम के जो जो एक सेफ्टी जो मेजर रहता है उसके जो ऊपर पहुंच गया जल स्तर, तो इसलिए जो है पूरा जो पानी है वो गांव में आ चुका है, जिसके बाद लगातार जो है लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है और सुरक्षित जगह लिया जा रहा है। जी ठीक है जयेश, गुजरात का भी एक बार रुक कर लेते हैं, गुजरात से भी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है बारिश को लेकर। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश हुई, भारी बारिश से औरंगा नदी यहां पर उफान पर नजर आई। बाढ़ बारिश से हजारों लोग काफी प्रभावित हुए हैं, हजारों लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया है। तो देखिए गुजरात में भी हालात कुछ इसी तरीके से बने हुए हैं, लगातार बारिश हो रही है, अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वलसाड़ में, गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश हुई है, भारी बारिश से औरंगा नदी यहाँ पर उफान पर हुई है और इसी के साथ लोगों का जीवन जो है वो काफी प्रभावित हो चुका है, उनको शेल्टर होम में रखा जा रहा है। अधिक अपडेट के लिए अहमदाबाद से हमारे सहयोगी जयेश हमारे साथ जुड़ गए। जयेश, क्या कुछ फिलहाल हालात हैं शेल्टर होम में? लोगों को, हजारों लोगों को शिफ्ट किया गया है, शेल्टर होम में रह पाना काफी मुश्किल हो जाता है और ऐसे में लोगों की जिंदगियां जो हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हो रही हैं बाढ़ बारिश से। बिल्कुल, ये जो बाढ़ बारिश का जो कहर है वो इस बार इस सीजन में ये तीसरी बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बलसाड़, नवसारी समेत कई इलाके हैं जो इस समय बाढ़ की चपेट में है। और जो मैं बात करूं औरंगा नदी की, तो औरंगा नदी ने अपना जो डेंजर लेवल है वो क्रॉस कर लिया है और उसके लगते जो भी लो लाइन एरिया है वहां पर बहुत ही बुरी तरह के जल भराव की स्थिति सामने आ रही है। कई हजारों लोगों को बीती रात ही शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया था और बड़ी मशक्कत के बाद लोगों को वहां से जो पानी में से जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है उन्होंने बाहर निकालकर उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया था। आने वाले 3 से 4 दिन तक रेड अलर्ट घोषित किया गया है इस पूरे इलाके में और भी ज्यादा बारिश होने की आशंका मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। तो आने वाले कुछ दिनों तक जो है यहाँ पर स्थिति काफी बुरी रहने वाली है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और आने वाले समय में भी बारिश होगी ऐसा अनुमान लगाया गया है। मैं आपको नवसारी की बात करूं तो नवसारी की भी अंबिका नदी, पूर्णा नदी और कावेरी नदी अपने उफान पर है और काफी तेज बहाव से वो भी बह रही है और वहां पर भी लो लाइन इलाकों में पानी भरना शुरू हो चुका है। तो लोगों का जनजीवन जो है काफी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और यही हाल जो है दक्षिण गुजरात के तमाम जिलों में देखने को मिल रहा है। सूरत जिले में भी जो तापी नदी पर बना बांध है वहां से भी 18,000 क्यूसेक पानी को डिस्चार्ज किया गया है, जो कि यहाँ पर भी लो लाइन इलाके में जो है पानी भरना शुरू हो जाएगा और लोगों को फिर से एक बार मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये पूरा जो हाल है दक्षिण गुजरात का वो इस समय काफी भयंकर बाढ़ बारिश से घिरा हुआ है। साथ ही उत्तर गुजरात के अंदर भी अलर्ट घोषित किया गया है, वहां पर भी भारी और तेज बारिश हो रही है, तो उससे भी वहां के लोगों का भी जनजीवन जो है प्रभावित होगा, यातायात में भी मुश्किलें आ रही है। तमाम स्कूलों और कॉलेजों को छुट्टी दे दी गई है आज के दिन के लिए और जो प्रशासन है वो स्टैंड बाय मोड पर, अलर्ट मोड पर रखा गया है, किसी को भी इस समय छुट्टी नहीं मिल रही है, प्रशासन के सभी अधिकारियों को। ठीक है जयेश, आपसे अपडेट अभी लेंगे, लेकिन अभी लेह से फिलहाल इसी बाढ़ बारिश को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है वो भी बता देते हैं। लेह में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं, सुरू नदी में भयंकर उफान से दहशत मची हुई है, सुरू नदी के किनारे रहने वाले लोग अलर्ट पर रखे गए हैं। तो सुरू नदी यहाँ पर उफान पर है जिसके चलते दहशत मची हुई है और लोग काफी डरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिश हुई है जिसके बाद सुरू नदी भयंकर उफान देखा गया है और आसपास जो लोग रह रहे हैं उनसे लगातार सरकार की तरफ से भी अपील की जा रही है और जितना हो सकता है नदी किनारों से दूर रहने के लिए अपील की जा रही है, घरों से बाहर ना निकलने की अपील की जा रही है, क्योंकि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बाढ़ बारिश जैसे हालात उत्पन्न हो चुके हैं, बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो चुके हैं जिसके चलते भारी दिक्कत लोगों को देखनी पड़ सकती है अगर वो घर से बाहर निकलते हैं। तो सुरू नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रखते हुए चेतावनी दी गई है। फिलहाल प्रथमेश, जयेश, वैभव और कामेश्वर, आप सभी का शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो लगातार बारिश जो है वो चल रही है और ऐसे में रेड अलर्ट कई इलाकों में है, तो कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जिसके चलते काफ़ी दिक्कतों का सामना भी जनता को करना पड़ रहा है। तो फिलहाल